So, who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop! So what's our plan? आखिर किन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड के विलन्स को और विंटर सोल्जर यानी कि बक्की की लेफ्ट आर्म किसने उखाड़ी। तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्वल हॉलीवुड का एक सबसे फेमस प्रोडक्शन हाउस है। इतना ही नहीं, मार्वल अपने कॉमिक बुक्स, अपने टीवी शो, अपनी मूवीज, अपनी बुक्स, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लोग इन फिक्शन बुक्स को, इन फिक्शन शोज को देखना बहुत पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, मार्वल के हर एज ग्रुप के फैंस भी हैं। तो दोस्तों अब बात करी जाए फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में, तो इसके सेकंड एपिसोड में हमें फाल्कन बकी को ये समझाता हुआ नजर आ रहा है कि उन लोगों ने वर्ल्ड के विलन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जो कि है एलियन, एंड्रॉइड और विजर्ड। तो दोस्तों ये डायलॉग एक बहुत शानदार रेफरेंस था मार्वल में होने वाले सभी स्ट्रॉन्ग विलन्स का। अब दोस्तों मार्वल का फैन होने के नाते शायद आप सभी समझ गए होंगे कि एंड्रॉइड यानी अल्ट्रॉन टाइप का विलन, एलियन यानी के थैनोस टाइप का विलन, और बचे विजर्ड तो वो हो गए हेला, मोर्डो और स्कारलेट विच की कैरेक्टर हागता टाइप के विलन। अब दोस्तों इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं सुपर सोल्जर्स भी, जिनको ढूंढने एक साथ जाते हैं फाल्कन और बकी। फाल्कन और बकी की सुपर सोल्जर्स के साथ एक फाइट भी हो जाती है और इस फाइट में उनके साथ कैप्टन अमेरिका और उनका एक और साथी भी बाद में मिल जाता है। लेकिन सुपर सोल्जर्स इन चारों को हराकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद कैप्टन अमेरिका बकी और फाल्कन को एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना वो इन सोल्जर्स के साथ मिलकर काम कर लें। लेकिन ये दोनों इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। इसके बाद सुपर सोल्जर्स को बकी दोबारा देखता है और उनको देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है, तो वो फाल्कन के साथ मिलकर ब्रैडली के घर चला जाता है और ब्रैडली होता है एक ब्लैक सुपर सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ब्रैडली वही है जिसने स्टीव के बर्फ में दफन होने के बाद आर्मी के कई सारे मिशन में उनकी अलग अलग तरीके से मदद भी की थी। यहाँ तक कि जब बकी हाइड्रा के कब्जे में होता है तब भी ब्रैडली को ही भेजा जाता है इस सिचुएशन को संभालने के लिए। अब दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि बकी का एक हाथ नहीं है और बकी का दूसरा हाथ खुद ब्रैडली ने ही उखाड़ा था एक लड़ाई के वक्त, और दोस्तों ये बात हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से ही पता चलेगी। तो दोस्तों आप सभी के इस सीरीज के प्लॉट को लेकर क्या रिव्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इसको देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।